इंग्लैंड टीम 17 साल बाद आई है पाकिस्तान में, तो हम बहुत खुश हैं। और पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर हैं माशाल्लाह, वो सिलेक्शन भी काफ़ी बहुत अच्छा हुआ है। मेरे ख्याल से ये टीम बहुत बेस्ट है, और जो है मिडिल ऑर्डर में शुएब मलिक की कमी है, और ये है कि उस कमी को पूरा करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स पाकिस्तान और मैं आपका मेज़बान ज़फ़र हैदर। इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान 17 साल बाद वापस आई है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ का आज से आगाज़ होने जा रहा है। हमारे साथ कुछ क्रिकेट के शायकीन मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं वो कितना पुरजोश हैं आज के मैच को लेकर, और उनसे ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि वर्ल्ड कप का स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है वो उससे कितना मुतमईन है, क्या वो उसमें कुछ चेंजेस देखना चाहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी बिल्कुल, हम बहुत खुश हैं कि इंग्लैंड टीम 17 साल बाद आई है पाकिस्तान, और इंशाल्लाह एक अच्छा सीरीज़ खेलने को मिलेगा, और इसी तरह हमारा पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। इस तरह जो आउट ऑफ कंट्री लोग इधर आएंगे यहाँ पे पाकिस्तान के लिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान का क्रिकेट भी अच्छा हो जाएगा, और यहाँ के फैसिलिटीज सब जिस तरह पहले तरह नुकसान आते हैं वो इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे, और इंशाल्लाह एक अच्छा सीरीज़ देखने को मिलेगा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा ये सीरीज़। जिस तरह वर्ल्ड कप के लिए टीम चुना गया है, अच्छा टीम है, और इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है, इत्मीनान है कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप इंशाल्लाह जीत कर आएंगी, और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप अपने नाम करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जिस तरह के 17 साल के बाद इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई है, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत खुशाइंदा है, और इससे ये है कि हमारे ना यंगस्टर्स को सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान ये सीरीज़ आसानी से जीत सकता है, क्योंकि जिस तरह के पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप के लिए या इंग्लैंड टीम के टूर के लिए जो सिलेक्शन हुई है, तो मेरे ख्याल से तो ये बेस्ट टीम है, क्योंकि हम इसी टीम के साथ हमने जो है T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी खेला था, और इसी टीम के साथ हमने जो है एशिया कप का फाइनल भी खेला है। तो मेरे ख्याल से ये टीम बहुत बेस्ट है, और जो है मिडिल ऑर्डर में शुएब मलिक की कमी है, और ये है कि उस कमी को पूरा करने की ज़रूरत है। बाकी तो टीम बहुत बेस्ट है, क्योंकि हमने इस टीम के साथ जो है सेमीफाइनल भी खेला है और एशिया कप का फाइनल भी खेला है, तो मेरे ख्याल से ये टीम बहुत बेस्ट है, और हम इंशाल्लाह जीतेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया, और पाकिस्तान का जो टीम है, जो इंग्लैंड से टीम आई हुई है बाहर से, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर पाकिस्तान क्रिकेट बहाल हो रहे, और ये पाकिस्तान में अमन की निशानी है। हम खुश हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसा अमन है। और दूसरी बात जो है ना, आज पाकिस्तान मैच एक अच्छे तरीके से खेलेंगे, और इंग्लैंड को एक अच्छे मार्जिन से मारेंगे इंशाल्लाह, और हमारे जितने भी प्लेयर हैं वो अच्छा खेलेंगे इंशाल्लाह, उसको एक अच्छा शिकस्त देंगे, और ये जो है ना बहुत अच्छा होगा कि वर्ल्ड कप से पहले इंग्लिश टीम के साथ एक अच्छा मुकाबला होगा, और इसमें जो है ना पाकिस्तान की अपनी जो भी तासरात है कि जिसकी ये मैच खेल के उनको ये पता चल जाएगी कि हमारे क्या वीक पॉइंट है जो है ना, तो ये काफ़ी खुशी की बात है कि इंग्लैंड टीम 17 साल बाद आई है पाकिस्तान में, तो हम बहुत खुश हैं। और पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर हैं माशाल्लाह, वो सिलेक्शन भी काफ़ी बहुत अच्छा हुआ है, तो हम बहुत खुश हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें बहुत खुशी हुई है कि इंग्लैंड टीम 17 साल बाद पाकिस्तान आया है, और उम्मीद है कि ये सीरीज़ अच्छा होगा, उम्मीद है कि पाकिस्तान जीते, और आज का मैच है जो इंशाल्लाह हारिस और रजे सब अच्छा परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान को जिताएंगे। ये एक अमन का पैगाम है सारे मुल्कों के लिए कि पाकिस्तान में अब अमन है। जैसे वर्ल्ड कप की बात है, वर्ल्ड कप की टीम बहुत अच्छी है, क्योंकि हमने एशिया कप खेला, अच्छा खेला, फाइनल जीत हर गेम का एक हिस्सा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम फाइनल पे पहुंच गए, और इसके पहले जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म दिया। सबसे पहले तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो गई है, और अभी इंशाल्लाह आज पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच हो वो पाकिस्तान जीतेगा, और हमारे शायकीन से भी ये है गुजारिश है कि दोनों टीमों को सपोर्ट करके, क्योंकि इंग्लैंड हमारी मेहमान है, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। और वर्ल्ड कप की जो टीम है उसमें मिडल ऑर्डर पर शुएब मलिक होना चाहिए, और फास्ट बॉलर जो है फ़खर जमान को भी होना चाहिए, और फ़खर जमान को अपने बल्कि ओपनिंग पे होना चाहिए। जी नाज़रीन, ये थी शायकीन क्रिकेट की राय जो आपने जानी। शायकीन क्रिकेट भी आज के मैच को लेकर बहुत पुरजोश है, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि दोनों टीमों के दरमियान एक कांटेदार मुकाबला देखने को मिले। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।